सुनिए, ये हमारा सामान हमारे कक्ष में पहुंचा दीजिए। जाइए, चलिए। ये सब क्या कर रहे हैं? और अब तो बताइए हम जा कहाँ रहे हैं? अरे बाजरे से तुम्हें बुलावा देकर बुलाया, तुम्हें मिलने तो जाना पड़ेगा ना। क्या इस समय इतनी रात में मिलेंगे उनसे आप? नहीं नहीं, इस समय हम उन्हें कष्ट नहीं दे सकते। अरे हम उनको आधी नींद में बुला सकते हैं, वो मित्र है हमारे। मित्र हुआ तो क्या हुआ, शिष्टाचार भी भुला देंगे क्या? अरे मित्रों के बीच कैसे शिष्टाचार, कैसे औपचारिकता है? नहीं नहीं, पर सभ्यता भी कुछ होती है कि नहीं? खम्मा गड़ी हो कुम गड़ी खम्मा। बस बस सौभाग्यवती, आशा करते हैं कि आप दोनों को यात्रा में कोई कष्ट नहीं हुआ होगा। नहीं नहीं बिल्कुल नहीं, हम बस बाजरज को मिलने जा रहे हैं। कुछ देर पहले कुंवर प्रताप जब देख के कक्ष में थे और वहीं उनकी आंख लग गई, आप उन्हें उनके कक्ष में ले जाइए। जी हुकुम। कितनी अच्छी दिख रही है दोनों साथ साथ। बाजीराज, बाजीराज, क्या बात है चलवानी? ये क्या हुआ चक्रपाणी? ये रक्त कैसा? हुकुम, ये विषा कीड़ा आजाद को काट रहा था और संभवतः बावजरत की नींद न खुल जाए इसलिए अजबद चुपचाप इस पीड़ा को सहती रही। आपका जा रही है जब तक आपका रक्त बह रहा है, आपको विश्राम करना चाहिए, लेट जाइए। नहीं राणा जी, कुछ नहीं, हम ठीक हैं। किंतु अजब बहुत रक्त बह रहा है, मुझे नहीं लगता कि आप ठीक हैं। नहीं कोटका, हमने कहा ना हम ठीक हैं, इसे धो लेंगे तो ये ठीक हो जाएगा। प्रताप, इनकी स्थिति ठीक नहीं है, आप जाइए और वैची को बुलाइए और साथ ही राव मामरक और हंसाबाई जी को भी लेकर आइए। जाइए अजबे, अजबे और प्रताप जाइए। चक्रपाणी आप जाइए शीघ्र। कौन और प्रताप? क्या हुआ? जी, जी एक विषाक्त कीड़े ने अजय को काट लिया है, आप उनके साथ में रहिए, हम वैजी को बुला कर लाते हैं। जी जब्दे, कुंवर प्रताप के मन में अजबदे को लेकर कितनी भी गहरी भावनाएं क्यों ना हो, आपको अजब देख को यहां से जाने के लिए कहना होगा। उठिए अजब देख, अजब देख उठिए।
चला है। जाइए मिल लीजिए। वर्ष है जहां पना के लिए मुकर्रर दीवाने खास महल के दूसरी जानिब है। बहुत अच्छा लग रहा है इतने बरसों के बाद आपको देखना, आपसे मिलना। आपको ना तो हमसे बेवजह खौफ ज्यादा होने की जरूरत है और ना ही बरसों पहले आपके और हमारे बीच जो बच्चों का खेल हो चुका है उसके लिए गैर जरूरी तवज्जो देने की। हो सकता है कि आज भी आपके लिए हम वही लड़के हो जिसके साथ आपने निकाह पढ़ा था, मगर हकीकत यह है कि वक्त के साथ साथ बहुत बदल चुके हैं हम। वैसे हमारी ख्वाहिश है कि यहां आपको किसी भी किस्म की तकलीफ ना हो और इस महल में आपको हर किस्म का ऐशो आराम मिले। गुस्ताखी मुआफ हो शहंशाह। वैसे हम भी परसों पहले वाली नादान और भोली भाली लड़की नहीं रहे। वक्त तराशता तो सबको है, लेकिन देखने वाले के पास पहले नजर होनी चाहिए। शहंशाहे आली से अपना दिल हारे, लेकिन बहुत जल्द शहंशाहे आली हमसे अपना दिल हारे। हमारा विश्वास करे पर हमारे मन में कभी भी कुंवर प्रताप को आपसे छीनने का विचार नहीं आया। जो कुछ भी हमारे मन में उनके लिए रही सही भावनाएं थी उनको भी हमने आपके लिए अपने हाथों से कुचल दिया। यदि हमें इसका तनिक भी भान होता कि आपके मन में कुंवर प्रताप के लिए कोमल भावनाएं बलवती हो रही हैं, तो विश्वास करें उतने ही नहीं देते हम उनके लिए ऐसी भावनाएं अपने मन में। वैसे अब आपने कुंवर प्रताप के प्रति भावनाओं को स्वयं अनुभव कर लिया है, आप समझ सकती हैं कि किस मनोस्थिति में हमसे गलती हुई है। हम विवाह के लिए तैयार हैं।
किससे? फूल कवर से, कवर से, कवर से। हम जानते थे जब कि आप ही जीतेंगी, बधाई हो। जब हम आपके बिना चैन से नहीं जी पाएंगे तो हमारा ये बलिदान हमारी मातृभूमि के लिए क्या लाभ हो सकता है? जब आप हमारे विवाह या फलदान तक यहाँ रुके, ये हम नहीं चाहते। चले जाइए यहाँ से, निकल जाइए जब चले जाइए जब जाइए निकल भूल। दादी जी हम भी कितने मूर्ख हैं ना, जब तक हमें इतने सारे पत्र लिखती रही, आपकी बात समझाने की कोशिश करती रही कि तो हम उनका एक भी पत्र खोल के नहीं पढ़ा, ना जाने उस समय क्या हो गया था हमें। भूल, ये सभी पत्र वैसे भी इतिहास बन चुके हैं, जैसे अजबद आपके जीवन, इनके बारे में सोचना बंद कर दीजिए। नहीं दादी जी, यदि एक बार आप इन पत्रों को पढ़कर देखेंगे ना तो आपको समझ आ जाएगा कि अजबद ने हमारे साथ जो कुछ भी किया वो जानबूझकर नहीं किया। अजबद का कुछ भी लिखा हुआ है हमारे लिए कोई महत्व नहीं रखता है, कुछ भी नहीं है हमारी दृष्टि में। दादी जी अगर कोई है तो वो सिर्फ आप है, मारवाड़ की राजकुमारी है आप, और हमारे लिए आप सब कुछ है, और जिस भविष्य का सपना हम देख रहे हैं ना उस सपने में अजबदे का कोई स्थान नहीं है। हमारे भविष्य का सपना, ये क्या कह रही हैं दादी जी? आपका विवाह कुंवर प्रताप के साथ ही होगा। सब कुछ वैसा ही हो रहा है जैसे आप चाहती थी, और यदि अजबदे आपकी सबसे अच्छी सखी है जैसा आप कहती हैं तो उन्हें तो प्रसन्नता ही होगी ना आपकी खुशी में। अच्छा भूल, हम चलते हैं, हमें बहुत सारी व्यवस्थाएं करनी है हमारी लाडली फूल के विवाह के लिए। ये सभी पत्र वैसे भी इतिहास बन चुके हैं, जैसे अजबदे आपके जीवन, इनके बारे में सोचना बंद कर दीजिए। हमारा विश्वास करत करत हमारे मन में कभी भी कुंवर प्रताप को आपसे छीनने का विचार नहीं आया। आपका विवाह कुंवर प्रताप के साथ ही साथ। इनका ज्वर क्यों नहीं कम हो रहा है? जो पीड़ा बाईसा ने चुपचाप सही है वो आपकी और हमारी कल्पना से भी अधिक पीड़ा थी। इस समय भी इतनी पीड़ा हो रही है इन्हें कि इनका मस्तिष्क अपनी पीड़ा के दंश से बचाने के लिए इन्हें सचेत नहीं होने दे रहा है। बाजीराज, बाजीराज, दुनिया समझती है कि हम प्रताप सिंह हैं, एक नामी योद्धा जो हर घाव को हर पीड़ा को सहन करने की उससे उभरने की शक्ति रखता है। पर यहां देखिए एक साधारण लड़की जिन्हें जीवन में कभी कोई शारीरिक कष्ट उठाने का अवसर तक नहीं मिला, उन्हें एक प्राणघाती विषाक्त कीड़ा काटता रहा, रक्त बहता रहा, और फिर भी उस दारुण पीड़ा को, उस कष्ट को सहती रही। किस लिए चक्रपाणी?
ताकि हमारी नींद ना खुल जाए। शांत हो जाए बाजीराज। नहीं होना मैं शांत, समझे आप? क्षमा कीजिए चक्कर पानी बोल। वैजी, अब कैसे हो सकता है? हमारी औषधि और लेप से बाईसा की स्थिति सुधर तो रही है, किंतु बड़ी चुनौती है उनकी पीड़ा को कम करना। ये कैसे होगा? उनकी पीड़ा कम कैसे हो पाएगी? हमने रानीसा को इसका उपचार बता दिया है। तो फिर हमें भी बताइए। हल्दी, गुड़, काली मिर्च और गाय का घी। जाओ तुरंत जाकर ये चारों वस्तुएं ले आओ। तब तक हम खरड़ में लेप की बाकी औषधियां पीसते हैं। जाओ तुरंत जाओ। अच्छा मासी जी। कुंवर प्रताप, आप यहाँ? कुंवर प्रताप, आपको कुछ चाहिए था? मासी जी, वैद्य जी ने यही वस्तुएं बोली थी ना लेप के लिए? हाँ लगभग, किंतु वैद्य जी ने काली मिर्च कही थी। हाँ तो काली मिर्च कहाँ है? ये है, वो हमें लगा कि यही काली मिर्च। हमसे भूलोग यहाँ मासी जी। कोई बात नहीं कुंवर प्रताप, वैसे आप तो सबसे महत्वपूर्ण वस्तु लेकर आए। वो क्या? रोगी के ठीक होने की सच्ची कामना, निस्वार्थ स्नेह। हंसा मासी जी, हमें आपसे एक बात पूछनी थी। पूछे? ये अजब देने हमारी नींद ना खुल जाए, इसलिए उन्होंने चुपचाप क्यों पिया सर? क्या आप इसे मूर्खता नहीं कहेंगे? हम राजपूतों में किसी के साहस और शक्ति को मापने का बस एक ही मापदंड प्रचलित है कि किसने कितने युद्ध लड़े, किसने कितने युद्ध जीते। किंतु हम शत्रानियों के मन, मस्तिष्क और आत्मा में कितना बल है, इस पर किसी का ध्यान ही नहीं जाता। प्रताप, आपको पता है कि हम शत्रानियों को सबसे अधिक सुख किस चीज में मिलता है? अपनों को सुखी देख। अब देखिए ना, आप युद्ध से थके हारे लौटे थे, इसीलिए आपकी नींद का महत्व बहुत अच्छी तरह से समझ रही थी। अजब, आपकी नींद को यदि अजब देने अपनी पीड़ा से अधिक महत्व दिया तो क्या ये उनकी मूर्खता है? लाइए हम औषधि बना लाते। यदि अजब देने अपनी पीड़ा से अधिक महत्व दिया तो क्या ये उनकी मूर्खता है?